Hey guys, नमकीन सच टीम में मेरे साथ थे। ऐ तीनों ही। हाँ, मैजिक। मैजिक। मैजिक हो गया। मेरा क्या होगा मैजिक? कोई देर बाद होगा। मेरा क्या हो जाएगा? कोई आएगा नहीं क्या हो जाएगा तो आज क्या करें से जो? हर दो। जोली। Yes, और पता ही है किनका गाना है? ये दो नहीं, ये तो दो है ना, जैसे कि आप दबंग का ओरिजिनल है और अदनान समी ने इनका रीमेक है। नहीं, बर्दोजी ने इनका तो सॉरी है, साबरी का था। सुनते हैं, मूवी बहुत अच्छी थी और गाना हम वापस सुनने वाले हैं, तो साथ करें। कराची में लोगों में क्या था नॉलेज दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अपना मेन नाम है, एडवर्टाइजमेंट आ गई है, हम वो देख रहे हैं। कॉप कॉप भर दो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दिलों में बरता ने आंसू सिर दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दिलों में बरता ने आंसू सिर दिए मैंने दर्दों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद नवाब बोल रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बिना वीजा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों के नीचे से घुस आया और जिसका नाम है बजरंगी। इसी तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़ कर हो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था। को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया, वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दे और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान। मैं
तू धड़क में फिर अदनान समीन जी ने गाया था तो उससे प्यार बढ़ता गया और सबसे बड़ी बात की भाईजान की मूवी के सॉन्ग में ज्यादा प्यार मगर आवाज यार आवाज देखो आवाज तो बहुत आवाज ज्यादा ही और अट्रैक्ट कर रही है ये भी सुकून देने वाला गाना था अरे जल्दी भेजो तो अपने यार तुम्हारे दे ओके नहीं वैसे वाकई में गाना बहुत अच्छा लगा था वैसे भी जो स्टार्टिंग से जो स्टार्ट था कि जहाँ से स्टार्ट हुआ गाना मतलब इतना खूबसूरत अल्फाज इतने प्यारे और जो उन्होंने बनाया था बिल्कुल परफेक्ट जगह पर ही गाना था नोट कर अल्फाज गाना बहुत अच्छा था जैसे इस तरह बोला की वापस मूवी देखूंगा हमारे दिमाग में ख्याल रोना आ रहा था कि जैसे वाकई में यार कोई कुछ करना चाहता है किसी बच्चे के लिए रोने के बारे में बता रहे क्या एक्टिंग इतनी अच्छी है यार कि एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी थी ये मूवी ना मतलब फाइनेस्ट मूवी थी सिनेमा में मेरे हिसाब से क्योंकि मैं तो बबड़ा फैन हूं लेकिन सारी चीज लगती थी तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी वैसे मुझे फाइटिंग वाली ज्यादा अच्छी जो वांटेड हो गई राधे ओके थी ओके अच्छी थी मुझे वांटेड ज्यादा अच्छी थी हां वो तो लेकिन ये इसमें इनका अलग ही रोल नजर आया हां इसमें इनसे बहुत अलग था So guys, हमने आज गाना भी सुन लिया है आप लोगों के साथ ऐसे भी रिक्वेस्ट गाना पुराना गाना होगा yes, हम जरूर सुनेंगे हमें बहुत मजा भी आएगा सुनने में और वो चीज याद करने में गाइस हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन तो अल्लाह हाफिज़